दिनों दो टॉप एक्ट्रेस को साथ में लेकर कुछ ज्यादा ही फिल्में बन रही हैं। अरे भाई, इस साल की काफी सारी ऐसी फिल्में आ रही हैं जिनमें दो एक्ट्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। जहां एक तरफ आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में कैटरीना कैफ और फातिमा सना शेख नजर आएंगी, तो कैटरीना कैफ शाहरुख खान की फिल्म जीरो में अनुष्का शर्मा के साथ दिखाई देंगी। वहीं सलमान खान की फिल्म रेस 3 में जैकलिन फर्नांडिस और डेजी शाह साथ हैं, तो शाहिद कपूर की फिल्म बत्तीगुल मीटर चालू में श्रद्धा कपूर और यामी गौतम साथ हैं। ऐसे में अब नील भट्टे सन्नाटा और बरेली की बर्फी जैसी फिल्में बनाने वाली डायरेक्टर अश्विनी तिवारी अपनी नई फिल्म में विद्या बालन और भूमि पेडनेकर के साथ फिल्म करना चाहती हैं। अश्विनी और विद्या ने इस फिल्म को लेकर मीटिंग भी की है और विद्या को ये फिल्म पसंद आई है। कहा जा रहा है कि फिल्म में भूमि पेडनेकर भी विद्या के साथ दिखाई देंगी। फिल्म के डायरेक्टर ने भूमि को उनके रोल के लिए अप्रोच किया है। ऐसे में अब एक ही फिल्म में विद्या और भूमि पेडनेकर के बीच टक्कर ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वेल, अब देखना वाकई दिलचस्प होगा कि विद्या पर भूमि कितनी भारी पड़ती हैं या भूमि पर विद्या भारी पड़ती हैं। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।